कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने 7 मार्च से 13 मार्च तक कोवेश्वर धाम पर होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इस बार के रुद्राक्ष महोत्सव के दौरान देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। श्रद्धालुओं की संख्या को ध्यान में रखकर कोवेश्वर धाम समिति और प्रशासन मिलकर तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगा है। तकरीबन 300 एकड़ में पार्किंग व्यवस्था की जा रही है। पीने के पानी की पूरी कोवेश्वर धाम में जगह जगह व्यवस्था होगी। आने वाले भक्तों के लिए निःशुल्क भोजन, चाय, नाश्ते के प्रबंध भी कोवेश्वर धाम समिति की ओर से रहेंगे और भोजन व्यवस्था के लिए आधुनिक भोजनशाला का निर्माण किया गया है और जिसमें मशीन के माध्यम से भोजन बनाया जाएगा। चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो, उत्तराखंड हो, कश्मीर हो, सभी जगह से लोग यहाँ आ रहे हैं और सबकी संस्थाएं और संगठन स्थानीय संस्थाएं सारी लगी हुई है। पूरी संस्थाएं जितनी भी है, एक एक धार्मिक संस्थाएं और सामाजिक संस्थाएं हम लोग से तो भक्तों का बाहर विदेश से जो पहले भी आगमन हुआ है, जैसे भोपाल के पूरे उसमें सब विदेशी लोग पूरे आकर रुके हैं, वो लोग कथाओं में उनको पास दे दिए गए हैं, वो लोग आए कहा जी भोपाल।